हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब बढ़िया होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मीशो से कुर्ती, बाय की थी मैंने, तो मैं उन्हीं का रिव्यू आज आपको दूंगी। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो इन्हीं सबसे रिलेटेड होने वाला है कि मैंने मीशो से क्या क्या परचेज़ किया और एक कुर्ती का प्राइस कितना है। तो इनके जो स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है 139 से स्टार्ट है, 500 तक इनका प्राइस रहने वाला है। तो बाकी मैम आगे बात करेंगे वीडियो में कि इस वीडियो में आगे क्या क्या मैम आपको बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये येलो कलर, मस्टर्ड कलर है। जो इसका अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट कुछ इस टाइप से इसका वर्क हो रखा है, इसके जो नेक पे वर्क हो रखा है। बाकी इसके अगर कपड़े की बात करती हूँ मैं तो काफ़ी अच्छा कपड़ा है इसका, आप लोग इसे बाय कर सकते हो और ये आपको 239 की पड़ेगी। ये पहन के काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसको आप वाइट प्लाजो के नीचे पहन सकते हो या फिर आप इसे रेड प्लाजो भी इसके नीचे पहन सकते हो। और जैसे किसी की हल्दी हो गई, हल्दी में आप इसे पहन सकते हो या फिर डेली वेयर भी आप इसे पहन सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा है। एंड सेकंड, ये सेकंड है, ये भी येलो कलर में, दोनों डिफरेंट कलर है इसके। तो जो ये भी ये है, इसके फ्रंट में इसके जो नेक पे हो रखा है स्टोन वर्क हो रखा है, आप देख सकते हो। एंड इस टाइप से इसकी डोरी भी लगी है फ्रंट में। तो इसका कलर थोड़ा लाइट कलर है ये, और काफ़ी ये देख लो, इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। ये आपको 250 समथिंग पड़ेगी आपको मीशो में। ये मैं सभी के आपको कोड दे दूँगी तो आप लोग इसे बाय कर सकते हो। और इसके जो हैंड में इसके बाजू में भी कुछ इस टाइप से वर्क हो रखा है। बाकी ये यहाँ से फ्रंट इसका सिंपल है, इधर भी बैक भी सिंपल है, सिर्फ इसके नेक और बाजू में थोड़ा सा वर्क हो रखा है, स्टोन वर्क है। काफ़ी अच्छा कपड़ा है ये, अगर आपको लेना चाहो तो इसे ले सकते हो। और इसके नीचे भी आप वाइट प्लाजो पहन सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका पहन कर अगर आप इसे पहनते हो तो। एंड ये जो कि मेरी काफ़ी फेवरेट कुर्ती है, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका, और ये कुछ इस टाइप से इसके साइड में डोरी लगी है। और इसके साथ जब बाय किया था तो इसके साथ ईयर रिंग भी थी, और ये भी काफ़ी अच्छा कपड़ा है इसका पहन कर इसका बहुत सुंदर लुक आता है। तो आप लोग इसे बाय कर सकते हो, पहन सकते हो इसे। एंड अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ तो 10/10 दूंगी मैं इसे। ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे, अभी तक जो दो कुर्ती है वो भी अच्छी है बट उनके कंपेयर ये ज़्यादा सुंदर है। ऑरेंज कलर के प्लाजो आप इसके नीचे पहन सकते हो, इनका कॉम्बिनेशन काफ़ी सुंदर लगता है, देख सकते हो आप लोग। एंड ये 139 की पड़ेगी, ये भी काफ़ी सुंदर है। इसके बाजू में ऐसे कट है एंड फ्रंट में इसके यहाँ पर नेक पे बटन होगा इस टाइप से। इसका थोड़ा सा कपड़ा पतला है, इसे मतलब आप सर्दियों में नहीं वेयर कर सकते हो या फिर इसका थोड़ा कपड़ा चिपकता है, तो ये कुछ खास नहीं है बट फिर अच्छा है। 139 में काफ़ी अच्छा है ये, और इसका मुझे जो डिज़ाइन था वो काफ़ी अच्छा लगा, कपड़ा अच्छा नहीं लगा बट इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा है। प्रिंट मुझे इसका काफ़ी सुंदर लगा है, आप देख सकते हो। पहनकर बहुत सुंदर लगता है, अगर आप ब्लैक प्लाजो या फिर वाइट प्लाजो के ऊपर वेयर कर सकते हो इसे। एंड ये है गाउन टाइप में, तो ये भी सुंदर है। ये देखो इसके नेक पे वर्क, नेक पे डोरी लगी है गोल्डन कलर की, बाजू में इस टाइप से डोरी लग रखी है इसकी। और इसके अगर बात करो तो इस टाइप से ही है इसका जो लुक आता है, गम टाइप लुक आता है इसका, और इसका दुपट्टा भी है इसके साथ, दुपट्टा भी इसका काफ़ी सुंदर है। तो इसका कपड़ा भी अच्छा है, आप लोग इसे पार्टी वेयर पहन सकते हो, किसी पार्टी में जाओगे तो पहन सकते हो, बर्थडे में पहन सकते हो या फिर
किसी भी टाइम पहन सकते हो, काफ़ी अच्छा है। इतना हैवी भी नहीं है, सिंपल है, बट इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है अगर पहनते हो तो आप लोग इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और प्राइस इसका ज़्यादा नहीं है, मैं आपको प्राइस टैग कर दूँगी इसका एंड लिंक भी दे दूँगी, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखें इसे। इसमें बहुत सारे कलर है, जो भी ग्रीन हो गया, रेड और येलो भी है, तो आप लोग जो बाय करना चाहते हो आप लोग ले सकते हो। एंड लास्ट है रेड कलर शरारा, ये भी बहुत सुंदर है। देखो इसका जो प्रिंट है काफ़ी राजस्थानी टाइप में ये जो बना रखा है, एंड इसके इसके साथ इसके प्लाजो है, प्लाजो नहीं शरारा है इसके, ये एंड ये इसका दुपट्टा है। तो अगर इस कुर्ती की बात करती हूँ तो इसका जो फ्रंट है, फ्रंट इसका बिल्कुल सिंपल होगा और इसके ये बैक में आएगा, बैक में इसका कुछ इस टाइप से डिज़ाइन बन रखा है, ये देख सकते हो आप, इस टाइप से इसका कुछ डिज़ाइन आएगा बैक में और इसके बाजू में भी कट है। तो अगर इसे आप पहनते हो तो इसका काफ़ी अच्छा सुंदर लुक आ सकता है पहनकर, ये पहनकर बहुत सुंदर लगता है। फ्रंट से काफ़ी सिंपल सा है, इसके नीचे आप प्लाजो पहन सकते हो या फिर वाइट कलर की लेगी या ब्लैक कलर की लेगी या वाइट कलर के प्लाजो, जो भी आप वेयर करना चाहते हो। बस इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसका कपड़ा काफ़ी पतला है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, बस एक जो पतला सा कपड़ा आता है वो है। तो अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँगी तो इसका प्राइस मैं आपको टैग कर दूँगी एंड इसका लिंक भी दे दूँगी अगर आप बाय करना चाहते हो। इसमें एक ग्रीन कलर है और एक आई थिंक इसमें मरून कलर है, तो आप लोग जो बाय करना चाहते हो, मुझे तो रेड इसका बहुत सुंदर लगा था इसलिए मैंने रेड लिया, और इस टाइप से कुछ इसका डिज़ाइन है। एंड इसकी बात इसके अगर मैं चोली की बात करती हूँ तो इस टाइप से इसके फ्रंट में ये होगा एंड नेक पे इसका काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बन रखा है। तो पहनकर इसका काफ़ी अच्छा लुक आता है और अगर आप लोग इसे बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा पहनकर। और ये पार्टी वेयर भी आप इसे किसी पार्टी में पहन सकते हो, शादी में पहन सकते हो या फिर अपने बर्थडे में पहन सकते हो या फिर कहीं भी अगर आपको जाना हो तो आप लोग इसे पहन सकते हो, मुझे तो काफ़ी सुंदर लगा ये। तो ये थी मेरी मीशो की इतनी सारी शॉपिंग, मैंने जो इनके रिव्यू दिए और रियल दिए, और ये ऐसे नहीं है कि मैंने अभी ये परचेज़ किया, ये पिछले 5-6 महीने से जो मैंने मीशो से लिया उन सभी से रिलेटेड मेरा रिव्यू था। तो ये जितने भी ये ले रखे हैं इनका जो रिव्यू हुआ वो मैंने इन्हें पहन कर ही आपको बताया कि कैसा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।